निर्भया has finally received justice. जुडिशियल सिस्टम ठीक करने की जरूरत है ताकि सात सात साल ना लगे. बेटा लेट द नेवर हुआ. ये संदेश है देश में हर उस व्यक्ति के लिए जो दुस्साहस करता है महिला के खिलाफ. ये संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जिसे लगता है कि महिला का वो बलात्कार कर पाएंगे और कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे. ये संदेश है हर उस अपराधी के लिए कि वन डे द लॉ विल कैच अप विद यू. आई टुडे ग्रीट दिस डे विद अप्लॉम्ब फॉर निर्भया हैज फाइनली रिसीव्ड जस्टिस. आज उनके निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है. 7 साल लग गए इसमें. जुडिशियल सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है ताकि सात सात साल ना लगे. हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देती हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा और केस लटकते रहेंगे चलते रहेंगे. तो मुझे लगता है कि आज का दिन है जब हम सब लोगों को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि अब इस देश में दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे. मदर निर्भया गोज डाउन इन हिस्ट्री. शी ट्रूली गोज डाउन इन हिस्ट्री फॉर द अनस्टॉपेबल वॉर क्राई फॉर जस्टिस फॉर हर चाइल्ड. सेकेंडली इट ऑल्सो एक्सपोजेस द साइकोलॉजी और द साइकी ऑफ द क्रिमिनल्स हु टेक अदर्स लाइव्स but seek mercy for themselves. बेटा लेट द नेवर हुआ. देर हुआ फिर दुरुस्त हुआ. हमें यह देखना चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान में निर्भया कांड ना घटे. दरिंदों को मन में खौफ पैदा हो, बलात्कारियों के मन में खौफ पैदा हो, इसीलिए सजा दिए जाते हैं. लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ सजा देने से काम बनेगा नहीं. हमारा कानून व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए जैसे कि निर्भया कांड ना घटे. आई विश दिस कुड हैव बीन डन अर्लियर. व्हाइल वी फील सैटिस्फैक्शन टुडे इज ऑल्सो द डे टू रिफ्लेक्ट बोथ बाय द जुडिशरी बाय द गवर्नमेंट बाय द सिविल सोसाइटी एंड एवरीवन एल्स दैट शुड सम पीपल कन्विक्टेड for capital punishment for that diabolical crime should be allowed to manipulate the system to delay it for close to 7 years.